हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले एक हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, ओके, क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है आपकी अपकमिंग सिचुएशन लाइक इन 1 वीक, ओके। तो अगले एक हफ्ते में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे मैच करें, कुछ ना करें, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। यह रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें, ओके। आइए चलिए देखते हैं कि अगले एक हफ्ते में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है। यस, ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है। आई नीड वन कार्ड Here, oh no, I need one card at one time. Here, no. Okay, let me take a break. Seven of Wands, upcoming situation for 1 week. Okay, nine again, Queen of Swords. Beautiful sun card. Interesting. Okay. यहाँ पर है सेवन ऑफ वैंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंस ऑल्सो, ओके, एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन कार्ड। आई होप ये कार्ड्स विजिबल हैं प्रॉपरली आपको, व्यूअर्स। ओके, तो अगले एक हफ्ते में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी। देखिए व्यूअर्स, सबसे पॉजिटिव कार्ड जो है, सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे, सन कार्ड। देखिए व्यूअर्स, ये कार्ड बताता है कि आने वाला जो एक वीक है, उसमें आपको काफी सारी गुड न्यूज मिल सकती है, लाइक अलग अलग टाइप की खुशी की खबर हो सकती है। किसी के लिए करियर में खुशी की खबर होगी, किसी के लिए लव लाइफ में, किसी के लिए फैमिली में, किसी के लिए हेल्थ में, लेकिन आपकी तरफ गुड न्यूज कोई आ रही है ऐसा लगता है। साथ ही साथ मुझे लगता है व्यूअर्स कि जो हैप्पीनेस है ना, ये आपने अपने लिए अट्रैक्ट की है। ऐसा लगता है जब से आपने अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू किया है, आप अपनी तरफ हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो बस ये वही सक्सेस है, वही हैप्पीनेस है जो आपकी तरफ आ रही है अगले एक हफ्ते में। Yes. मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों को कोई अगर जॉब चाहिए था तो वो भी मिल सकता है, यूनियन भी हो सकता है, अगर किसी से कॉल या मैसेज कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा जो आपको अंदर से खुश कर देगा, कुछ ऐसा जिसको पाकर आपको सच में खुशी होगी, ओके? तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं और ये आपने अपने लिए खुद अट्रैक्ट की हैं, ओके? क्योंकि अगर आपने अपना तरीका बदला है, सेल्फ लव किया है खुद को, तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनेविटेबल हैं, आने ही थे, ओके? यहाँ पर मुझे व्यूअर्स ऐसा भी नजर आ रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ कम्पीट करेंगे। अब वो किसी भी चीज में कॉम्पिटिशन हो सकता है, ये वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ कुछ कंपटीशन करें, कुछ पॉलिटिक्स करें। ये ऐसा हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में आपके साथ कोई कंपटीशन करेगा, या रिलेटिव्स में भी कोई आपके साथ कंपटीशन करेगा कि कौन ज़्यादा अर्न करता है, किसकी इनकम ज़्यादा है, या कौन ज़्यादा गुड लुकिंग है, या किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। या फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं
जो यू नो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ एक कंपटीशन फील कर सकते हैं कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है. तो किसी प्रकार का मुझे यहाँ पर कंपैरिजन नज़र आ रहा है, कंपटीशन नज़र आ रहा है. और मुझे उसके लिए ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग आपको आपकी पोजीशन से हटाने की कोशिश करेंगे. लाइक अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, किसी चीज़ में बेस्ट हैं, तो वहाँ पर आपके साथ कंपीट करेंगे, कंपेयर करेंगे और और आपको उस पोजिशन से हटाने की कोशिश करेंगे. लाइक अगर आप एक बेस्ट स्टूडेंट हैं तो कोई आपसे कंपीट करेगा और आपको उस बेस्ट स्टूडेंट की पोजीशन से हटाने की कोशिश करेगा. अगर आप बहुत गुड लुकिंग हैं तो कोई आपके साथ लुक्स में कंपीट करेगा और आपको उस बेस्ट गुड लुकिंग और गुड लुकिंग पर्सन के पोजीशन से हटाकर खुद को वहां पर रखना चाहेगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ना आपकी तरफ थोड़ा ऐसा ही कंपेटिटिव पर्सपेक्टिव रखने वाले हैं, कंपेटिटिव अप्रोच रखने वाले हैं आपकी तरफ, लेकिन आप उन्हें डील कर लेंगे. ओके, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑल्सो टू हैंडल दिस. ये आपके लिए नई बात नहीं है. ऐसे कॉम्पिटिशन्स और ऐसे कंपेरिजन्स आपने पहले भी बहुत हैंडल किए हैं. इट्स जस्ट लाइक जस्ट लाइक अ ईजी गेम टू यू. लाइक आपके साथ कई बार ऐसा होता है, लोग आपसे आपके साथ कंपेरिजन करते हैं, कंपीट करते हैं, और फिर जब वो देख लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप कितने स्टेबल हैं, और समवेयर आप कंपीट नहीं कर रहे हैं किसी से, आप किसी से कंपीट नहीं कर रहे, आपके मन में किसी को लेकर कोई जेलेसी नहीं है, कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आप जो करते हैं उसे डेडिकेशन के साथ कर पाते हैं और इसीलिए आप उस पोजिशन पे बने रहते हैं. तो जो भी करते हैं आप फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ करते हैं और इसी वजह से आप उस पोजीशन पे बने रहते हैं. ओके, यस. तो आप एक वन वुमेन मैन, सॉरी वन वुमेन मैन, वन मैन आर्मी और वन वुमेन आर्मी की तरह आप इस सिचुएशन को डील कर लेते हैं. आपको काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए इस सिचुएशन को डील करने के लिए. आप अकेले ही काफ़ी हैं ये सब हैंडल करने के लिए. इट इज़ वेरी इजी फॉर यू. ओके, यस. सो वन मैन आर्मी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और या मैं कहूँ वन वुमेन आर्मी, जो भी हैं आप. ओके, अगले 7 दिन के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो लगता है जैसे आप फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं. कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, इनकम में कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, या कुछ नए तरीके मिल सकते हैं अर्निंग के. हो सकता है आप एक से ज़्यादा सोर्सेस से अर्निंग करें, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी अगले 7 दिन में आपकी तरफ आती हुई दिख रही है. और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उससे आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो बहुत कम है मेरे जीवन में, मुझे और चाहिए था, मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं. ऐसा कुछ नहीं होगा. जो भी आप प्राप्त करने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी सेटिस्फाइड फील होगा. यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आप ना अपने ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करने वाले, लाइक टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, नॉट स्पेंड. अपने ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाले हैं. हो सकता है मनी भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर सकते हैं. कोई हेयर स्टाइल, हेयर कलर, या कुछ अपना बॉडी शेप, कुछ अपना फिटिंग, फिट बॉडी बना सकते हैं अपना. ऐसा है अगर आप बहुत ज़्यादा वीक या बहुत पतला फील करते हैं अपने आप को, या बहुत हैवी फील करते हैं, तो हो सकता है आप ऐसा फील करें कि नहीं मुझे फिट होना है, और उसके लिए भी आप वर्क करना, हार्ड वर्क करना शुरू कर दें. तो कुछ तो चेंजेस हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी, फिजिक और अपने अंदर भी लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो रहा है और आप और ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद की वैल्यू कर रहे हैं. छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुश करेंगी वो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, उन चीज़ों को साइडलाइन नहीं कर रहे हैं. जैसे किसी को पसंद है म्यूजिक सुनना, किसी को पसंद है कुकिंग करना, किसी को पसंद है साइकिलिंग करना. आप चाहे कोई कितना भी बोले कि अरे साइकिलिंग क्यों कर रहे हो, या कोई कितना भी बोले कुकिंग क्यों कर रहे हो, आपकी मर्जी. तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुश करती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उनको ज़रूर करेंगे और अपने आप को खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अंदर से खुश महसूस करेंगे. ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अगर आप ना किसी का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, किसी क्लैरिफिकेशन का, किसी आंसर का, किसी के आने का, तो किसी के एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकता है. कोई आपको
कोई आपके पास आकर आपको किसी चीज पर क्लैरिफिकेशन दे सकता है, अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है, आपको हर्ट किया है, या आपसे झूठ बोला है, या कोई अचानक आपको घोस्ट घोस्ट कर चुका है, यानी अचानक कोई गायब हो गया है, अचानक से बात करना बंद कर दिया है और सडनली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से अगर कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ कोई अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है, अपनी बातों को क्लैरिफाई कर सकता है, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही डिसीजन लेने वाले मोड में होंगे। अगर कोई क्लैरिफिकेशन देगा, जस्टिफिकेशन देगा, तो आप भी बहुत स्वीट, इमोशनल होकर, बहुत पोलाइट होकर नहीं सुनेंगे, आप भी एकदम किंग और क्वीन वाली एनर्जी में सुनेंगे। ओके, आप जैसे ही जस्टिफिकेशन सुनेंगे, एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, आप एक डिसीजन लेना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ना एक ऐसी एनर्जी में होंगे जो एक जज जज वाली पोजीशन होती है, एक जज की जगह पर, जैसे आप डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, और ये जानकर आप फैसला लेना चाहते हैं कि आपको आगे करना क्या है, आपको इस पर्सन के साथ डील करना है, नहीं करना है, मूव ऑन करना है, सेकेंड चांस देना है, या बात करना बंद करना है, या अवॉइड करना है, जो भी आप डिसाइड करेंगे वो एक एक्सप्लेनेशन के बाद ही कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन हम बहुत इमोशनल तो नहीं होने वाले, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आप इस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। अगर कोई आपको अप्रोच करता है कुछ भी कन्फेस करने के लिए, तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल वे में उसे हैंडल करेंगे, रैदर देन बीइंग इमोशनल। ओके, बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहेंगे अब, मुझे ऐसा लग रहा है। व्यूअर्स, अगर आपको ना बहुत हेडेक होता था, माइग्रेन का कोई इशू है, सर दर्द बहुत होता है, तो मुझे लगता है कि ये इशू भी रिजॉल्व हो सकता है, और पेट में अगर दर्द बहुत होता है या सर में, तो वो सिचुएशन भी, वो चीज़ ठीक हो सकती है, रिकवर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इंतज़ार भी पूरा हो सकता है आपका, जो भी इंतज़ार आप कर रहे थे जिस भी चीज़ के लिए। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो फायर साइन है या एयर साइन है, अर्थ साइन, क्योंकि मुझे यहाँ तीन साइंस नजर आ रहे हैं, आप या ये पर्सन हो सकते हैं जो क्लैरिफिकेशन या कन्फेशन करने आएंगे यहाँ पे, फायर साइन, व्हाट फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। ओके, या जस्ट अ सेकेंड, Spirits, please guide us. Spirits, please guide us. मुझे लगता है व्यूअर्स, ये जो आपकी लाइफ में जो खुशियां आ रही हैं, जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ रही है, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है आप में से किसी का जन्मदिन आने वाला है, या आपके जो भी डियर एंड नियर वंस हैं उसमें से किसी का जन्मदिन हो तो आप सेलिब्रेट करें, या कोई और फंक्शन अटेंड करने वाले हैं, कोई और पार्टी है, लेकिन आप अपनी सक्सेस को, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं आने वाले एक हफ्ते में, और बहुत इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो सेलिब्रेशन नजर आ रहा है व्यूअर्स यहाँ पे। ओके, यस, विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जस्ट अ सेकेंड, या स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। No, let me shuffle again. अगेन मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप ऑफ पीपल, आपका आपको ना काफी लोगों का साथ मिलने वाला है, चाहे आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं, या आपके वर्क प्लेस पर आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, या आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको लोगों का साथ मिलने वाला है। पीपल विल सपोर्ट यू। यस, और मुझे लगता है कि लोगों के सपोर्ट से आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा अपने ऊपर और विश्वास करोगे, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, ऐसा लगता है। यस, और व्यूअर्स, इतनी खुशियां पाकर और इतना सेटिस्फाइड होकर मुझे लगता है कि आप ना एक बहुत बड़े बर्डन को,
एक बहुत हैवी बैगेज को अपने ऊपर से रिलीज करने वाले हो। कुछ ऐसा है जो एक बर्डन बन चुका था आपके लिए, उसको लेट गो करने वाले हो। क्योंकि जब इतनी खुशी आप रिसीव करोगे, आपकी लाइफ में इतने हैप्पी चेंजेस आएंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ कुछ पुराना, कुछ पेनफुल लेट गो कर दोगे। और मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में ज़रूर आप कोई पेनफुल मेमोरी, कोई ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस आप रिलीज करने वाले हो, लेट गो करने वाले हो। यस, लेट गो की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो कुछ तो है जो आप डिसाइड करके लेट गो करने वाले हो, क्योंकि आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो आगे। ओके स्पिरिट्स, प्लीज गाइड अस। लवर्स, ऑफ कोर्स व्यूअर्स, पॉसिबल है कि कोई अपनी फीलिंग्स भी आपको कन्फेस करने आ सकता है। ओके यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई जो आपसे बहुत प्यार करता है, कोई जो आपके लिए सीरियस है, कोई जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता है, सोल का रिश्ता है। ये सोलमेट हो सकता है आपका कोई, या आपको कोई आपका कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आ सकते हैं। मे बी इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कन्फेशन जो मैं बोल रही थी कि आप किसी के कन्फेशन का, किसी के एक्सप्लेनेशन का, क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। मे बी इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कि कोई अपनी फीलिंग्स भी आपसे आके कन्फेस करना चाहे और कर सकता है। और ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका सोलफुल कनेक्शन है, तो ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है। ओके चलिए आगे और देखते हैं। करेज, मुझे लगता है व्यूअर्स कि कितने भी डिफ़िकल्टीज आए, कितना भी लोग आपके लाइफ में या आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करें, क्योंकि अगेन वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगी जो यहाँ पर दोबारा दिख रही है। तो अगेन मैं आपसे वही बात कहना चाहूँगी कि कोई आपसे कम्पीट करेगा, लोग आपसे कम्पीट करेंगे, आप जैसे ही ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे कुछ लोग आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे, बट यू आर केपेबल इनफ टू डील दैट और टू डील विद इट। आप ना उस सिचुएशन को या उस हर्डल को, उस चैलेंज को डील कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत है। यू आर वेरी करेजियस, यहाँ पर मैसेज आ रहा है करेज का। मैं आपको ये कार्ड भी समझा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इट वुड बी गुड, इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, लेट मी हेल्प यू विद दैट। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स कैसे ये पत्थर है यहाँ पर। ओके ये पत्थर है, ये कोई सॉइल नहीं है जहाँ पर पेड़ पौधे उगेंगे, तो यहाँ पर पत्थर है और पत्थर के बीच से ये पौधा उगा है। ये जो प्लांट है ये इन पत्थरों के बीच से उगा है, यानी कि कितनी भी डिफिकल्टी, कितना भी चैलेंज और कितना भी ऑब्स्टेकल क्रिएट किया गया, फिर भी ये पौधा जो है ये उगा है और इसमें फूल भी खिला है। तो ये दिखता है कि ये जो करेज का मैसेज है वो ये बताता है कि आप में इतना करेज है, आप में इतनी हिम्मत है कि कोई आपको कितना भी दबाने की, सप्रेस करने की, या डिसरिस्पेक्ट करने की, या डिमीन करने की कोशिश करे, फिर भी आप बहुत करेजियस हैं और केपेबल हैं ये सब कुछ हैंडल करने के लिए। ओके व्यूअर्स, या चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। स्पिरिट्स प्लीज गाइड्स, डिवाइन प्लीज गाइड्स। नो, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर यस और नो में आपको चाहिए था और आप जवाब ढूंढ रहे थे हाँ या ना, हाँ या ना, तो डिवाइन ने आपको आंसर दे दिया है ना, विच मीन्स नो। ओके तो अब आप बेहतर जानते हैं कि किस चीज के लिए आपको मना किया गया है, क्योंकि जिस चीज को लेकर आपके मन में क्वेश्चन था यस और नो, उसी चीज के लिए आंसर आया है नो। ओके अब ये डिवाइन के और आपके, यानी कि ईश्वर के और आपके बीच की बात है कि किस चीज के लिए यहां पर मना किया जा रहा है, इसीलिए ये बात आप बेहतर समझ पाएंगे। टेक एक्शन, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए किसी चीज के लिए, तो आपको एक्शन लेना है और आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके तो किसी चीज के लिए तो आपको मना किया जा रहा है, बट फॉर समथिंग यू आर रेडी, और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। यस जस्ट वन मोर कार्ड,
रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए। अगर विचार दिमाग में लाने ही हैं तो क्यों ना अच्छे लाए जाएं। ओके, देखिए लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मेरे ना दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और मैं उनको रोक नहीं पाता। देखिए विचार आना प्रॉब्लम नहीं है, गलत विचार आना प्रॉब्लम है। और जब तक आप विचारों को, अगर आप चाहते हैं कि कोई विचार ना भी आए, तो जब तक आप अपने विचारों को, थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो विचार आपको आएंगे और कुछ ज़्यादा ही आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे ये मैं कहूँगी कि आप विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अलाउ करें। जितने थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें अलाउ करें और जितने आ सकते हैं उन्हें आने दें। और फिर आप रियलाइज करेंगे कि कुछ सेकंड्स बाद अब आपके दिमाग में कोई विचार नहीं है, क्योंकि आपने अलाउ किया कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि आज मैं जितना सोच सकता हूँ, जितने विचार आ सकते हैं, मैं अपने मन में लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। और आप आने दीजिएगा, सोचते रहिएगा, इसके बाद अब इसके बारे में सोचेगा, इसके बाद अब उसके बारे में सोचेगा, सोचते रहिएगा, फिर आपको कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स बाद रियलाइज होगा कि अब कोई विचार नहीं है, क्योंकि आपने अलाउ किया। जब आप रेजिस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, जब आप अलाउ करते हैं तो उसका फ्लो फ्री हो जाता है और रेजिस्टेंस नहीं रहता है, तो वहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब कोई ब्लॉकेज नहीं है तो क्लियर हो जाता है। तो ऐसा करके देखिए और रिमेन पॉजिटिव मैसेज तो आपको मिल ही गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। तो अगले 7 दिन आपके कैसे हो सकते हैं मैंने आपको ये बताया। अगर ये रीडिंग थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती, तो कमेंट्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल पर विश्वास ना करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।